Hello Vacho. so I welcome you all on the Rankers NTSC 910 platform and here what we are going to discuss is the one shot lecture of Heredity. Evolution is deleted from your syllabus, so uh, I am trying to complete all the portions of the Heredity as well as some important repeated questions which are asked in previous year. So let's start with the Heredity with me, this is your Ananya ma'am. And let's start with the heredity. Heredity means it is the process of transformation of genetic material from one parent to daughters. It means from one generation to another generation, or you can say from offspring to daughters. The heredity definition kya The transfer of characters or trait. Characters or trait from parent to their offspring, parents to their डॉटर्स पेरेंट्स नेक्स्ट जनरेशन और यू कैन से फर्स्ट वन जनरेशन अनदर जनरेशन, जनरेशन जनरेशन, वन नेक्स्ट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी एंड इसमें जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इनहेरिट कैरेक्टर्स हेरिडि प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफिर ट्रांसफर होते हैं दट इज कॉल्ड एज द इनहेरिट कर इनहेरिट करेक्टर्स ओके तो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉज ऑफ वेरिएशन वेरिएशन क्या होते हैं यू आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट

और वहां पे कुछ यानी कि कॉपीइंग में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशंस आर समटाइम्स वेरी यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ सो एक इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज में दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशंस फॉर एग्जाम्पल यू कैन लुक लुक ओवर दिस इज द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन लाइक ह्यूमन स्पीसीज This is finches. Birds. देखो यहाँ पे जो इसका ये वाला पोर्शन है येलो वन सेम क्या है डिफरेंट है वाइट पोर्शन के यहाँ पे पूरा है इधर ब्लूइश है यहाँ ब्लैक आ गया तो हम एक इज द स्पीसीज ऑफ बर्ड फिंचज इसको बोलते हैं और यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं बीटल्स में देख लो साइज में वेरिएशन ये बहुत बड़ा है ये छोटा है कलर में इनके माउथ का ये जो है, region, में तो जो होते हैं, एक ही लुक ओवर या दिस इज दिए कलर में कली फ्लावर है ये कली फ्लावर के ये बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं ग्रेप्स के देखो बहुत सारे कलर है ठीक है तो डिफरेंसेज और दिफ्रेंसेस जो क्रिएट होते हैं because of the sexual, reproduction होते हैं तो accommodation या कि एक पेरेंट है वन इज द फादर वन इज द मदर ठीक है ये मदर है इससे जो जीन बेटा ट्रांसफर होता है ये फिफ्टी परसेंट फादर से और फिफ्टी परसेंट मदर से जो भी बच्चा होगा दिस इंडिविजुअल हैव द तो जीनो 50% फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सो माइनर वेरिएशंस ऑफ स्प्रिंग यानी कि हमारे हमारे पेरेंट्स के बीच में माइनर वेरिएशंस होता है एंड इट एक्ट इन एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी। ये क्यों होता है बिकॉज़ डीएनए कॉपी जब हो रहा होता है बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ते हैं ये आपका डीएनए होता है एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं ठीक है और ये कॉपी होने में हो सकता हो कुछ एप्रोप्रिएट प्रॉपर कॉपी न हुई हो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं वेरिएशंस डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वेरिएशंस आर वेरी लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कभी-कभी तो कहीं लिखा होता है कि ना के बराबर होता है बट इन न्यूरेंसी आरटी इट इज गिवन दैट वेरिएशंस आर वेरी लेस यानी कि वेरिएशन होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं जिनको हम नेगलेजिबल मान के चलते हैं एंड रिप्रोडक्शन एंड मोर इन द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं हेल्प इन द ऑर्गेनिजम टू एडजस्ट द चेंजेस इन द इनवमेंट और बेसि बात है अगर वेरिएशंस होते हैं लाइक कौन कब वेरिएशंस हमारे पास यूजफुल होते हैं कब वेरिएशंस हमारे पास यूजफुल नहीं होते आई हैव एग्जांपल आई विल गिव यू लुक रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस नो ओके यही भी देख लेते हैं तो बिकॉज ऑफ़ द वेरिएशन दिज आर द मैमल्स और ये मैमल्स के होते adapt हैं अडॉप्ट कर लिए हैं एडॉप्ट कर लिए हैं तो इनकी बॉडी पर ना बहुत मोटी मोटी फर और बहुत मोटी सी फैट की डिपॉजिट लेयर्स पाई जाती है वी आर ऑल्सो मैमल्स लेकिन हमारे बॉडी के फैट पर इतना ज़्यादा लाइक हमारी बॉडी पर इतना मोटा फैट की लेयर नहीं पाई जाती तो बिकॉज ऑफ़ दिस अडॉप्टन बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन दिस ऑर्गेनिज्म आर एबल टू सरवाइव इन दिसक बहुत कोल्ड टेम्परेचर तो सरवाइव कर पा रहे हैं तो ये वायरेशन के लिए क्या है पॉजिटिव है सरवाइव कर पा रहे हैं दूसरी चीज बीटल के अगर हम केस देखें तो बीटल्स में समटाइम्स ऑर्गेनिज्म इज आल्सो अफेक्टेड बाय द वेरिएशन लाइक अगर हमारे पास सराउंडिंग्स हमारा रेड इन्वामेंट का होगा और बीटल हमारे ग्रीन या वाइट बन गए ग्रीन या वाइट कलर के बन गए तो वट वी ऑब्जर्व कि ये जो रेड वाले बीटल्स हैं इन्वामेंट अगर रेड है

तो वो प्रे के थ्रू विजुअलाइज नहीं किया जाएगा और इन्वॉर्मेंट रेड है तो वाइट वाला क्लियर कट विजुअलाइज होगा और क्लियर कट विजुअलाइज होगा तो उसको जो भी उस बेटल का प्रे है वो उसको फीड करने लगेगा तो बिकॉज ऑफ दैट वट वी हैव ऑब्जर्व की समटाइम्स द वेरिएशन इज हार्मफुल फॉर अवर लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वेरिएशन आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ ठीक है वेरिएशन हमारे लिए क्या होते हैं बहुत यूजफुल होते हैं जैसे मैंने लिख रखा है सम वेरिएशंस एंड इन दर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस देखने को मिलता है उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है यहाँ पे हम ब्रेड की बात करें ठीक है नॉट वाइट की एंड सम नॉट हेल्प इन दर्गेनिज्म मे डाई एंड बिकम एक्सटेंस और ये क्या होते हैं मर जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं रूल्स क्या होते हैं रूल्स बेटा होता है फ्रॉम मदर एंड फिफ्टी परसेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम फादर फिफ्टी परसेंट कैरेक्टर मदर से आएगा फिफ्टी परसेंट कैरेक्टर्स फादर जाएंगे इनहेरिटेंस ऑफ द फैक्ट फादर एंड मदर ठीक है? ये सेल है सेल के अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है क्रोमोजोम को अगर हम खोलते जाएंगे खोलते जाएंगे बेटा ये हमें क्या मिलेगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए और यहाँ पे ये बेस पेयर से अटैच होते दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच वाज गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक वॉटसन एंड क्रिक नेक्स्ट बिना इन टर्मिनोलॉजी के योर जेनेटिक्स और यू कैन से हेरिडिटी इज इनकम्प्लीट कैसे कि आपको ये सारे के सारे टर्म्स का मतलब आना चाहिए बिकॉज इन योर जेनेटिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल यूज़ द सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स इन्हीं सारे टर्म्स को क्या करते हैं हम लोग यूटिलाइज करते हैं यूज करते हैं और इसी के बेसिस पे हम हमेशा ये यूज करते हैं इसी के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे टर्म्स दिए होते हैं तो टर्म्स का मतलब क्या होता है डेफिनेशन क्या होती है मीनिंग क्या होती है और सम टाइम्स डायरेक्टली इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जीन जीन इज द कोडिंग सिक्वेंस और हेरिडी यूनिट्स कैरेड द कैरेक्टर्स फ्राम

यूनिट कैरियर कह सकते हैं कैरियर कह सकते हैं जैसे साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है किसी चीज को कैरी करने के लिए कैरियर का मतलब क्या तो जीन एक ऐसा कैरियर है जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को इनहेरिट कैरेक्टर्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है नेक्स्ट है ट्रेट ट्रेट इज नथिंग बट जो एक्सप्रेस हो रहा है जैसे कि अगर हम लोग हाइट की बात करें ठीक है

एक्सप्रेशन को जिसको हम डिस्ट्रीब्यूंस कर पाए एग्जाम्पल्स में टॉलनेस और डॉफनेस ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हाइट कैरेक्टर क्या है हाइट इज द कैरेक्टर और, और हाइट के टॉल एंड टू टूअर ट्रेट ठीक है जीन एक वेहीकल है जीन एक कैरियर है Trait क्या है डिस्ट्री फीचर्स है जो कैरेक्टर्स के दो पार्ट्स होते हैं जिसके जिसके पे characters को कैटेगराइज किया जाता है Next, allies, alternative form of genes. ये genes का alternative form होता है। जैसे अगर हम लोग हाइट हमारे पास क्या है कैरेक्टर इच वॉज कोडेड बाई द जीन ठीक है अब हाइट का ये टॉल हो सकता है ये डॉफ हो सकता है अब एलियस क्या होता है? दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स इस जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है अब अल्टरनेटिव फॉर्म है अल्टरनेटिव फॉर्म है तो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन जीन के किसी पर्टिकुलर लोकस पे पाया जाता है और दोनों क्रोमोजोम के ऊपर सेम पाया जाता है जैसे तो कि होमोलोगस क्रोमोजोम है

जब ये दो जो दोनों एलील है एलिनफिक की हम बात कर रहे थे अगर ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलिल्स इन जीन आर सेम दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म अगर सेम रहते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा होमोजाइगस कहलाता है दीज आर द अल्टरनेटिव

ये भी हमें कैसा दिखेगा बेटा? दिखेगा, दिखेगा भी कैसा हमें? तो तो दोनों 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 का सेम हुआ, देखने में दोनों की, दोनों क्या है? है। बट व्हाट अबाउट इस इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी दो हेट्रोजाइगा है और इसके पास क्या है होमोजाइगस है यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हुए डोमिनेंट फैक्टर्स डोमिनेंट फैक्टर्स जो F1 वन जनरेशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए फैक्टर्स क्योंकि जो फैक्टर वर्ड है ना ने जीन को जीन नहीं बोला था मिंडल ने जीन के लिए जो टर्म यूज किया था दैट इज द फैक्टर्स थानेटिक में आप अगर हो तो आप तब तक के लिए अपने आप को मिंडल समझो और मिंडल जब आप समझ रहे हो तो वहां पे आपको जीन बोलने की इजाजत नहीं है आपको बोलना है फैक्टर 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 ठीक है तो फैक्टर क्या है आपका डोमिनेंट फैक्टर्स यानी कि डोमिनेंट जीन हमारे लैंग्वेज में मेंडेलियन के अकॉर्डिंग डोमिनेंट फैक्टर्स द फैक्टर और एलिज विच आर एक्सप्रेस इन एफर्ट्स वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर्म कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैप द एलील जैसे कैपिटल टी एलील की अगर हम बात करें इट इज एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस एंड एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगस

नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है ट्रू ब्रीडिंग यानी कि पेरेंटल ब्रीडिंग के फॉर्म में कहते हैं और ये हमेशा जेनेटिकली अपने होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा यानी कि दे आर होमोजाइगस और जेनेटिकली प्योर इंडिविजुअल जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी को क्रॉस करोगे कैपिटल स्मॉल टी टी के साथ नॉट कैपिटल तो दिस इज प्योर ब्रीड तो क्या आपका प्योर ब्रीड है ऑल राइट तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीड एफ वन जनरेशन जब हम पेरेंटल की क्रॉसिंग करते हैं प्योर ब्रीडिंग की क्रॉसिंग करते हैं लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी को सॉरी कैपिटल टी कैपिटल डी को स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट मिलता है हमें पहली बार पेरेंटल से ठीक है दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द एफ वन पहली जनरेशन और एफ का मतलब होता है फीलियल फीलियल फर्स्ट जनरेशन और फीलियल इट इज द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोड्यूस फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल कॉल्ड द पेरेंट वन एफ टू जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम सेल्फिंग करा देते हैं एफ वन को क्रॉस करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एफ टू जनरेशन कैसे सेकेंड फीलियल जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल विच डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रीडिंग एमोंग द इंडिविजुअल ऑफ एफ वन जनरेशन एफ वन जनरेशन का जैसे हमारे पास क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यही था इसको हम आपस में क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी बोला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ योर एफ टू जनरेशन एफ टू जनरेशन ये हमारे पास क्या थी एफ वन जनरेशन थी इसके ऊपर जो हमने क्रॉस किया था दिस वन इज योर पेरेंटल वन

वर्क को रीप्रूव करने में ठीक है ह्यूगो ये कुछ मिल करके, मिंडल के वर्क को रिपब्लिश किया था चाहते तो वो नहीं भी करते लेकिन उन्होंने इसको रिपब्लिश किया था तो मिंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे दिस इज स्पाइजम तो दूसरा नाम है और इसको हम लोग और भी कहते हैं गार्डन पी और क्या कह सकते हैं इसको गार्डन पी मिंडल चोज द गार्डन पी एज ए प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट सिंस इट हैज फॉलोइंग एडवांटेज क्या-क्या फीचर्स थे इसके फीचर्स ये थे कि मेंडल्स का जो ये सेलेक्ट किए थे इसलिए मेंडल को लकी भी माना जाता है कि बिकॉज़ इट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी पहला वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स यानी यानी कि कि के जो जो का है, था. था, अगर एक बहुत एक बहुत लंबा छोटा था. बीच के जैसे वाला कुछ चीजें नहीं थी फ्लावर जो थे वो बाइस थे तो बार बार पॉलिनेशन कराने की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वेट करने की दिक्कत नहीं थी इजिली हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल था और इनकी लाइफ क्या थी बहुत कम थी

सीड का कलर सीड में आपके राउंड है राउंड एंड रिंकल्ड ठीक है तो राउंड एंड रिंकल्ड हो गया कलर में आपका क्या हो जाएगा सीड का कलर येलो एंड ग्रीन तो इधर बेटा जो है वो डोमिनेंट है एंड इधर जो है वो क्या है रेसिस ठीक है तो सीड के दो फॉर्म होते हैं आइदर सीड का जो शेप और सीड का कलर सीड का शेप जो था राउंड एंड रिंकल सीड का जो कलर है येलो एंड ग्रीन तो येलो कलर इज द डोमिनेंट कलर ग्रीन कलर इज द रेसिसिव कलर ग्रे सॉरी राउंड कलर इज राउंड शेप इज द डोमिनेंट वन एंड रिंकल शेप इज द रेसिसिव रौन. फ्लावर में आ जाओ तो फ्लावर के दो कलर होते हैं यहाँ पे पर्पल एंड वाइट तो पर्पल बेटा पर्पल इज द डोमेंट वन सॉरी नीचे हो गया इसका डॉमिनेट वन वाइट इज द रेसिव ठीक है फुली होगा तो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है दिस वन इज द रेसिव वन एंड दिस वन इज द डोमिनट वन पॉड का कलर येलो एंड ग्रीन दिस इज ऑल्सो डोमिनेंट एंड दिस वन इज द फ्लावर की पोजिशन प्लेस का मतलब पोजिशन ऑफ फ्लावर दिस इज एक्सियल और टर्मिनल टर्मिनल इज द वन एक्सियल इज़ द डोमिनेंट साइज़ यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी टॉलिज्म टॉल एंड डॉर्फ दिस वन इज द डोमिनेंट एंड दिस वन इज द रे मिंडल ने सात कैरेक्टर्स लिए थे वो सात कैरेक्टर्स कौन कौन से थे नंबर वन शेप ऑफ सीड नंबर टू कलर ऑफ सीड नंबर थ्री आ जाएगा आपका कलर ऑफ फ्लावर फोर्थ पोजीशन ऑफ फ्लावर फिफ्थ स्टेप ऑफ पॉड सिक्स कलर ऑफ पॉड Seven, height of plant, height of the plant. Mindels select the seven characters and which are very effective, which are very useful in the crossing or generating the different, different generations regarding the Mindels experiment. In plants having one pair of characters, example tall and off, tall and short. मोनो हाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस का जो प्रोडक्ट हाइब्रिड का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट मिक्सिंग मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनाया उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं तो इस क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जो कि अगर हम लोग एक ही कैरेक्टर्स को लेके बनाए तब चलो भाई मोनो हाइब्रिड क्या क्रॉस क्या होता है और इसके रेशियोस के बारे में डिस्कस करेंगे अगर हम मोनो का मतलब होता है वन द वर्ड मोनो मतलब क्या होता है वन हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स करें अगर हम एक कैरेक्टर्स को एक सिर्फ एक कैरेक्टर्स को लिया उसके दो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स को मिक्स करके कुछ बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस अब देखो यहां पे की दिस इज द टॉल प्लांट है ना कि आपका शॉर्ट प्लांट है इन दोनों का अगर हम क्रॉस किया तो हमने एफ वन जनरेशन में देखा सारे के सारे टॉल प्लांट है सारे के सारे क्या मिले हमें टॉल प्लांट मिले ठीक है अब इसके बाद जब हम इसको अगेन दिस वन इज द एफ वन जनरेशन एफ वन के बाद एफ टू इसका अगर हम सेल्फिंग कराते हैं बेटा अगर हम सेल्फिंग कराते हैं यानी यानी खुद को को आपस में करा देते हैं इसके तो हमें क्या देखने देखने मिलता है कि तीन प्लांट और एक, प्लांट. एक जो रेशियो वन. दिस देखने वाला ठीक है इसका क्या हो जाएगा जैसे कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पे पर्पल एंड वाइट फ्लावर का

रेशियो शुड बी थ्री टू वन तो ये रेशियो क्या है फेनोटिफिक रेशियो जो कि विजुअलाइज हो रहा है जो कि देखने में मिल रहा है लेकिन क्या ये बात जरूरी है कि जो फेनोटिफिक रेशियो होगा वो जेनोटिफिक रेशियो भी होगा नहीं द रेशियो विल बी वेरिज फ्रॉम फेनोटिपिक टू जेनो यहाँ थोड़ा सा इसका हम सिम्पलाइज फॉर्म में करते हैं जैसे हमने क्या लिया था सबसे पहले हाइट ऑफ द प्लांट हाइट ऑफ़ प्लांट के एक कैरेक्टर्स लिए थे हाइट हाइट एक कैरेक्टर्स है और इसके दो ट्रेट हैं वन इज टॉल और दूसरा क्या है ठीक है अगर हम इसका होमोजेगस फॉर्म लेते हैं यानी ट्रू ब्रीडिंग कराते हैं तो टॉल के लिए हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल टी डॉर्फ के लिए हमारे पास स्मॉल टी स्मॉल टी इसकी हमने क्या करा दिया बेटा क्रॉसिंग ठीक है जब क्रॉसिंग कराया तो वर्ड वी फाउंड कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी कैपिटल डी के साथ स्मॉल टी कैपिटल डी के साथ स्मॉल टी कैपिटल डी के साथ स्मॉल टी साथ small t. ये चार प्रोडक्ट मिलेंगे और ये चारों के चारों जो प्रोडक्ट होंगे सारा जो प्लांट हमें मिला ये कैसा मिला है टॉल मिला है है ना देखने में भी टॉल है और जीनाटोपिक एक कंट्रास्ट कैरेक्टर है कैपिटल टी स्मॉल टी इसलिए हमारा टॉल मिला बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट डोमिनेट ओवर कॉल्ड ठीक है स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया कैपिटल डी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया जो एक्सप्रेस करेगा वो दिखेगा जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो दिखेगा नहीं नेक्स्ट वर्ड वी हैव ऑब्जर्व अगर हम इसको फिर से आपस में क्रॉस करा देते हैं यानी कि इसके दो प्लांट यहाँ ले लो ये एफ वन जनरेशन मिल गया एफ वन के सेल्फिंग कराओ एफ वन के पास कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा क्या हो जाएगा कैपिटल टी वट यू गेट कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी यानी कि अब रेशियो बदल गया और सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो टॉल नहीं हो रहे उसमें से एक डॉर्फ भी निकला यानी कि अंदर का जो जीन का है वो कुछ वैरी कर रहा होगा तो वट इज द द वेरिएशन इन जीन इज कि कैपिटल डी टी, टी रहेगा तब भी टॉल होगा कैपिटल डी टी स्मॉल टी रहेगा तब पर भी टॉल होगा कैपिटल डी स्मॉल रहेगा तब पर भी टॉल होगा एंड तब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये अपने होमोजाइगस के फॉर्म में रहेगा व्हेन इट विल बी इन होमोजेगस फॉर्म तब ये अपने आप को क्या करेगा बच्चा एक्सप्रेस करेगा तो शॉर्ट प्लांट लिया इसका जो कॉम्बिनेशन था स्मॉल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट लिया कैपिटल टी कैपिटल टी तो सब के सब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी फिर इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो ये कैपिटल डी कैपिटल डी एक अकेला एक जैसा है कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल डी 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 दो है तो ये हो जाएगा टू और स्मॉल टी टी स्मॉल एक है तो ये हो जाएगा one. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फेरोटोपिक रेशियो होता है ऑलवेज थ्री इज टू वन इन एफ टू जनरेशन एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एफ टू जनरेशन का जीट्रफिक रेशियो होता है कितना होगा ऑलवेज और अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो जानते हैं जनरेशन जनरेशन का तो आप बहुत आसान से डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड सबका निकाल सकते हैं चलो निकालना बताती हूँ मैं मोनोहाइब्रिड के बाद थोड़ा सा कर लेते हैं क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस

ऑल द जो प्लांट्स होंगे वो राउंड एंड राउंड एंड येलो सीड था सारे के सारे जो सीड का शेप था वो क्या था राउंड और सीड का जो कलर था दैट इज येलो फिर इसकी जब सेल्फिंग करा दी जब सेल्फिंग कराया तो रेशियो हमें क्या मिला बच्चा रेशियो मिला हमें नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन This is the phenotypic रेशियो ठीक है जेनेटिविक रेशियो में क्या मिला था फेनेटिविक तो सबको याद रहता है लेकिन जेनेटिविक किसी को नहीं याद रहता है। तो चलो मैं बताती हूँ इसको कैसे याद करते हैं देर इज ए सिंपल सा ट्रिक ट्रिक ये है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है थ्री इज टू वन इसको मल्टीप्लाई करोगे थ्री इज टू वन एक करेक्टर का कर था ये दूसरे करेक्टर का कर था तो ये हमारा फिनेटिफिक रेशियो मिल जाएगा थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री फिर वन थ्री जा थ्री फिर वन वन जा वन ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो दो बार मल्टीप्लाई कर दिया तो इसी तरीके से जेनेटिविक रेशियो क्या होता है वन इज टू टू इज टू वन इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम वन इज टू टू इज टू वन ओके वट विल यू गेट कि वन इज टू टू इज टू वन ठीक है कि टू इज टू फोर इज टू टू फिर क्या देखोगे वन इज टू वन इज टू टू इज टू वन इसको क्या मिलेगा वन इज टू टू इज टू वन इज टू फोर इज टू सॉरी टू इज टू फोर इज टू टू इज टू वन इज टू टू इज टू वन तो ये कैसे मिला हमें जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे दो बार डाईहाइब्रिड का तीन बार ट्राईहाइब्रिड चार बार टेट्राहाइब्रिड पांच बार पिंटाहाइब्रिड का रेशियो हमें मिलता चला जाएगा हर जनरेशन का रेशियो कॉमन होगा बिकॉज मिंडल ने बोला था कि डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसिस कैरेक्टर मिंडल ने तीन लॉ दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सैग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि जो रेशियो होता है इसका फिर टू थ्री थ्री टू वन और जब क्रॉस हम करेंगे यानी ये जो product बनाएंगे, between the two characters को लेकर के एक characters round, दूसरा characters हमने क्या ले लिया? है? कलर और दो कैरेक्टर्स हमारे पास क्या बन गए? ट्रेड बन गया तो चार ट्रेड का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनता है सिक्सटीन बनेगा इसके लिए भी फॉर्मूला होता है टू टू पावर एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्रेड ठीक है एन इज द नंबर ऑफ ट्रेड तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ रेशियो ये थोड़ा सा ओपन करके दे दिया कि हमारे पास रिजल्टिंग फेनोटाइप कितने हैं राउंड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड एंड ग्रीन ये चार पॉसिबिलिटी है तो चार पॉसिबिलिटी में देख लो जरा सा राउंड एंड येलो कौन कौन से होंगे राउंड एंड येलो के लिए एक एटलीस्ट कैपिटल आर होना चाहिए एक एटलीस्ट कैपिटल वाई होना चाहिए रिंकल्ड एंड येलो के लिए एक सॉरी एक नहीं दोनों ही स्मॉल आर होने चाहिए और एक कैपिटल वाई होना चाहिए दूसरा स्मॉल वाई चलेगा तीसरा राउंड एंड ग्रीन के लिए एक कैपिटल आर कंपल्सरी है और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए स्मॉल वाई स्मॉल बाई होना चाहिए ये पॉसिबिलिटी है और रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए भाई स्मॉल आर स्मॉल आर होना चाहिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई होना चाहिए तो जरा काउंट करते हैं देखते हैं कहां, कहां पे ये चीजें मिलती हैं तुम्हें राउंड एंड येलो यानी कि कैपिटल आर यहाँ पे कैपिटल आर भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है ओके भी R भी कैपिटल हो हो सकता है, R भी हो सकता है है स्मॉल दूसरी पोजिशन की मैं बात करू एक पोजिशन तो फिक्स है दूसरा पोजिशन और यहाँ पे भाई देखो कैपिटल वाई भी हो सकता है स्मॉल वाई भी हो सकता है यहाँ पे कैपिटल वाई भी और ऑब्लिक स्मॉल वाई तो ऐसा कुछ मिल रहा है तो तुम्हें देखो कि कम से कम एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई होना चाहिए यस yes. कम से कम एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई ये हो गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फाइन आ गए ये रिंकल्ड एंड येलो में दो कैपिटल दो स्मॉल आर स्मॉलर होना चाहिए एक कैपिटल बाय एटलीस्ट होना चाहिए तो दो स्मॉल आर स्मॉलर लुक ओवर ये सॉरी रिंकल एंड रिंकल्ड एंड येलो ठीक है रिंकल एंड येलो हो गए रिंकल्ड एंड येलो रिंकल एंड येलो ये तीन क्या हो गए रिंकल एंड येलो तीन मिल गए हमें ring ये ना तीन मिल गए राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन यानी कि राउंड होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए एक कैपिटल आर और दोनों का दोनों स्मॉल स्मॉल कम से कम होना चाहिए तो दिस उस और ओ, ये नहीं ये, एक दो तीन मिल गए भी हमें क्या मिल गया तीन नेक्स्ट हमारा होना चाहिए रिंकल एंड ग्रीन तो बचता है ये वाला रेशियो क्या मिला कैसे अगर इसको चाहो तो दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म ये है कि थ्री टू वन इज द रेशियो ऑफ योर मोनोहाइब्रिड इसको अगर हम मोनोहाइब्रिड को दो बार मल्टीप्लाई कर दें भाई देखो दो ही कैरेक्टर तो लिया है ना मोनोहाइब्रिड के एक कैरेक्टर का और ये दूसरे कैरेक्टर का दोनों तो का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डाई हाइब्रिड बन जाएगा दो कैरेक्टर्स का मिक्सअप बन जाएगा तो इसमें जैसे कि थ्री टू वन थ्री इज टू वनर इज और थ्री इज टू वन मल्टीप्लाई करोगे थ्री इज टू वन वट विल गेट नाइन इज टू थ्री इसी तरीके से जेनेटिपी की रेशियो क्या था द क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना है आपको तो so, ये रेशियो क्या था वन इज टू टू इज टू वन को मल्टीप्लाई करो वन इज टू टू इज टू वन वट यू विल गेट इट वन इज टू टू इज टू वन टू टू इज टू फोर इज टू 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 वन इज टू वन ये रेशियो हो जाएगी जीरो टिपिक क्लियर

तो so, हमारे पास जो टोटल क्रोमोजोम्स होते हैं दीज आर फोर्टी सिक्स इन नंबर एंड ट्वेंटी थ्री पेयर बट वी हैव क्रोमोजोम्स अगर हम क्रोमोजोम की बात करें फोर्टी तो सिक्स नंबर में होते हैं जिनको हम लोग ट्वेंटी टू प्लस वन पेयर लिखते हैं ठीक है दिस ट्वेंटी टू पेयर क्रोमोजोम इन कॉमन मेल एंड फीमेल व्हाट अबाउट देयर वन क्रोमोजोम वन पेयर क्रोमोजोम वन पेयर क्रोमोजोम इन्स वेरिज पे वेरिएशन मिलता है देखो वहां पे वेरस मिलता है मेल में जो एक क्रोमोजोम होता है दैट इज हेमी जाइाइगस हेमी जाएगर का मतलब होता है कि एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं फीमेल में ये एक्स और एक्स होता है ओके जब हम इसको क्रॉसिंग कराएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक इसका एक्स आ जाए और एक इसका एक्स आ जाए बन जाएगा एक्स एक्स एक इसका एक्स आ जाए सॉरी एक इसका वाई आ जाए और एक इसका एक्स आ जाए जा, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई यानी दो एक्स वाई बनने की चांसेस दो एक्स एक्स बनने के चांसेस है तो फिफ्टी परसेंट फीमेल एंड फिफ्टी परसेंट मेल चाइल्ड बनने के चांसेस है तो सेक्स डिटर्मिनेशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज द फादर दट इज द फादर

तो रेड वाले को खा गए तो बचा कौन सा ग्रीन वाला तो ग्रीन वाले के लिए दिस इज द जो देशन उसने किया है जो इन्वायरमेंट में किया है की वजह से ग्रीन वाले के लिए सर्वाइवल में एडवांटेज देखने को मिल गया सम वेरिएशन नॉट हेल्प इन द ऑर्गेनिज्म दूसरा एग्जाम्पल इसका रेड वाले के लिए बात करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कलर वेरिएशन इन द रेड बीटल्स एंड सम ब्लू बीटल्स तो so, कुछ कुछ जो होते हैं रेड की जगह पे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं ब्लू वाले प्रोड्यूस हो जाते हैं वो द रेड एंड ब्लू बीटल्स इन क्रोस एंड आर एटेन और अब ग्रीन और रेड में जब रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ ब्लू और कुछ रेड मिलते हैं तो दोनों ही रेड और ब्लू दोनों ही क्या होते हैं विजबलाइज होते हैं ग्रासेस में और दोनों को जो होते हैं वो क्रो खाते हैं

आर द जेनेटिक या इनहेरिटिक ट्रेड्स कहलाता है और जो हम लोग अभी सीखते नहीं है हमारे बाय बर्थ में ऑलरेडी मिला हुआ है इफ द पॉपुलेशन बीटल्स इंक्रीज एंड प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय डिजीज देन द फूड अवेलेबल फॉर द बीटल्स देयर बॉडी वेट द अवेलेबिलिटी ऑफ ए फूड इंक्रीज बॉडी वेट ऑफ द बीटल आल्सो इनक्रीज

थ वाइट फ्लावर एंड डॉर्फ प्लांट विथ वाइलेट फ्लावर यानी कि इसने दो कैरेक्टर को लिया है एक हाइट को लिया है और दूसरा कलर ऑफ फ्लावर हाइट में दो कैरेक्टर हो जाएंगे टॉल और दूसरा हो जाएगा टॉल फ्लावर के कलर में दो कैरेक्टर हो जाएंगे पर्पल और वायलेट और दूसरा हो जाएगा वाइट ठीक है दो कैरेक्टर्स को लिए है तो इस टाइप के क्रॉस को हम लोग कहते हैं क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं ये पेरेंटल को चेक करने के लिए किया जाता है दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस और एक ही कैरेक्टर होता तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और नेचुरल सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग विच ऑफ दिस दिज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग एंड शॉर्ट पी प्लाट रिजल्टीट व्लाज देखो क्यों टॉल प्लाट्स हमने क्रॉस किया कैपिटल टी कैपिटल टी को स्मॉल टी टी स्मॉल के साथ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि सारे के सारे जो है हमारे पास ऑल द फोर इज द टॉल प्लांट ठीक है ऑल द टॉल प्लांट एंड फेरोटिपिक दोनों रेशियो इनकी क्या है सेम है बिकॉज हाइट में टॉल कैरेक्टर इज इज डोमिनेंट

अभी मैंने बताया एक्वायर ट्रेड जो हम लोग गेन करते हैं लर्न करते हैं आफ्टर बर्थ तो आफ्टर द ट्रेड या द कैरेक्टर्स विच वी लर्न इज नोन एज क्वाइर्ड क्या कहेंगे फॉर एग्जाम्पल रीडिंग वेट अभी दिया था वेट गेन एंड लॉस इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं ठीक है acquired characters. दूसरा जेनेटिक कैरेक्टर्स जेनेटिक कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स थ दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एग्जाम्पल में कलर ऑफ आई हाइट शेप ऑफ हेयर दीज आर द इनहेरिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल्स

और यहाँ पे दो तरीके की बीटल थी एक जो ग्रीन ग्रीन कलर की थी और दूसरा जो बेटा रेड कलर की थी ठीक है तो फॉर प्रे के लिए दट इज द प्रे प्रे कौन है यहाँ पे क्रो इट विजुअलाइज द रेड बीटल्स वेरी इजिली तो रेड बीटल्स क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगी जब इनके ऊपर ये फीड करने लगेगा तो इनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा बिकॉज़ ये विजुअलाइज़ नहीं हो तो इनके लिए जो है, वो कर रही है, लेकिन इनके लिए सरवाइवल प्रमोट्स नहीं कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन पी प्लांट्स वेयरिंग वायलेट फ्लावर So, plants. Plants सिंबल uh, लिखने के लिए मार्क्स मिलेगा आपको सिम्बल so, होता है, capital P, capital P, ठीक है और इसके लिए व्हाइट के लिए सिंबल हो गए स्मॉल पी स्मॉल पी इन दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो एफ वन में क्या हमें प्रोजनी मिलेगी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी गेट कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी है ना कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल यानी कि ऑल द फ्लावर इज वायलेट इन कलर क्रॉस करके क्रॉस कर दिया यू विल गेट वन मार्क और यहाँ वायलेट इन कलर लिख दिया हाफ मार्क सिलेक्शन किया वन मार्क वन टू हाफ मार्क अब हाफ मार्क कहाँ मिलेगा रेशियो को या लिखोगे दूसरा पॉइंट द जेनोटोपिक एंड फिनोटोपिक रेशियो विल बी द सेम टिपिक एंड फिनोटिपिक

के से जो मिली है वो कैसे यानी और में 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 क्या क्या देखने को मिलेगा मिलेगा तो तो अगर हम कराते हैं जैसे यही वाला कराएं हमें सारे के सारे हमारे सारे के सारे वायलेट कलर के मिलेंगे ठीक है लेकिन अगर हम लोग इसी का एफ टू करेंगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी को क्रॉस कराओ कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ स्मॉल पी के साथ तो वी गेट कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी ठीक है इधर लिख देती हूँ स्मॉल पी स्मॉल पी तो रेशियो जो आई है थ्री इज टू वन आई है तो और फ्यूनेटिफिक रेशियो वेरी करें यानी कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि इन एफ टू जनरेशन में एफ वन जनरेशन में सारे सारे के सारे जो देखा जाए तो सारे प्लांट्स का कलर फ्लावर का कलर क्या था वालेट. और जनरेशन में तीन हमारे पास वॉयलेट कलर के मिलता है और एक हमारे पास वाइट कलर का मिलता है दूसरी चीज हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जेनेटिपिकली जो होते हैं एफ वन जनरेशन में सारे के सारे सेम होते हैं लेकिन एफ टू जनरेशन में जो टॉल है वो भी जरूरी नहीं कि जेनेटिक मतलब उसका जो कंट्रास्टिंग एरियस है वो सेम है कैपिटल कैपिटल पी पी वाला भी पर वाई, कैपिटल पी कैपिटल पी वाला भी पर्पल कलर का है कैपिटल पी स्मॉल कलर पी वाला भी पर्पल कलर का है ओके okay? इतना एक्सप्लेन करोगे आप प्रॉपर अच्छे से वन मार्क लो स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ओके कंक्लूजन क्यों है बिकॉज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द अदर कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ अब होता क्या है कि इसमें हम लोग F1 में और F2 में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे F1 में ये सब के सब क्या है सेम है F2 में जिनोटिपिक रेशियो क्या था वन इज टू टू इज टू वन एफ टू में क्या है थ्री इज टू वन सॉरीपिक एंड हाँ थ्री इज टू वन

मेल एंड फीमेल ठीक है मेल के पास एक्स वाई क्रोमोजोम है फीमेल के पास एक्स एक्स ठीक है इससे एक्स एक्स आ गया इससे एक्स हो गया इससे एक्स वाई टोटल क्रोमोजोम फोर्टी सिक्स ट्वेंटी टू प्लस वन और ये वन क्रोमोजोम जो होता है कहलाता है सिक्स क्रोमोजोम और ये इसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को इट कॉज द वेरिएशन लेकिन समटाइम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो रेगुलेट द डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स एग्जांपल इन टर्टल्स एंड सम फिशेस ठीक है टेम्परेचर और लाइक कुछ इंसेक्ट में भी हम देख हैं कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी टेम्परेचर बेसिकली रेगुलेट करता है अगर एग को गैमेट्स को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं या लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है अदरवाइज फैक्टर्स जेनेटिकली के ओवर लाइक डोमिनेंट नहीं करता नेक्स्ट है व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है भाई वन कैरेक्टर कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओवर अनदर वन ऐसा नहीं कि वो दूसरे को सप्रेस कर देता है नहीं सप्रेस नहीं करता वो खुद को उभारता है दूसरा वाला कुछ कर नहीं पाता है ठीक है दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी को एक साथ रखेंगे तो ये प्लांट हमें दिखेगा टॉल बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट कहने का मतलब होता है कैपिटल टी इज एक्सप्रेस एक्सप्रेस इट्सेल्फ तब ऐसा देखने को मिलता है नेक्स्ट व्हाट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन एंड फंक् जीन कैरेक्टर्स इसके बारे में स्टडी करने को जेनेटिक्स वॉटर जीन्स जीन इज द वेहीकल या कैरियर ऑफ इनहेरिट कैरेक्टर्स और यू कैन से सिंपली कोडिंग सीक्वेंस ऑफ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो एक्सप्रेस कर पाता है और यू कैन से द एक्सप्रेसिबल पार्ट ऑफ डीएनए ऑल द डेफिनेशन आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी फोर मार्क एंड दिस इज द दिस इज द लाइक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रीड द पैराग्राफ के फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होता है so, पैराग्राफर्स का ये रूल होता है तो देखो क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रमोजेंट इन्यूमन तो पेयर्स पूछे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोज यहाँ फोर्टी सिक्स नंबर दिया है लेकिन आप कर दोगे गलत

बॉडी यहाँ पे लेकिन टोटल पूछा ऑटोजोम नहीं पूछा ऑटोजोम पूछता तो हम लोग ट्वेंटी टू पेयर लिखते है यहाँ पे जो ट्वेंटी टू होते हैं दिस इज दू होता है दिस वन इज दिक्स फ्रो आई होप आपको ये चैप्टर मजा आया होगा वन शॉट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर नहीं है जब से इवोल्यूशन इसमें से हटा दिया है तो चैप्टर का वेटेज भी कम हो गया और ये बहुत इजी भी हो गया है आपके लिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर्स के साथ तब तक के लिए बाय बाय डे